हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टिन नंबर के बारे में। आपने तो टिन नंबर बहुत सुना होगा, क्योंकि हम लोग जो फ़ोटो सेल करते हैं या कोई भी बिज़नेस आप अगर करते हैं तो वहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल नंबर चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। मेरा चैनल अबाउट स्टॉक फोटोग्राफी एंड वहाँ पे आप जब टैक्स इंटरव्यू फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ता है, वरना आपका जो अमेरिका यूएस बेस्ड जो सेल्स है वहाँ पे 30% डिडक्शन हो जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं है, अगर आपके पास है TIN तो ट्रीटी लागू होता है, उस पर 15% डिडक्शन होगा। तो मैं पहले क्या किया था, पैन नंबर दिया था अपना, लेकिन मैं पैन नंबर दे के देख चुका हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, 30% डिडक्शन ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद बहुत लोग मुझे ये पूछे कमेंट सेक्शन में कि सर टिन नंबर क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो प्रोसेस हमको बताइए। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, टिन नंबर होने के लिए आप एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है तो फिर आप खुद रजिस्टर होंगे, आपका बिजनेस नहीं रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो टिन नंबर रजिस्टर करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये एक 11 डिजिट नंबर है, पहला जो 9 डिजिट है वो तो गवर्नमेंट इशूड एक नंबर होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट आपको इशू करेंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड लास्ट जो डिजिट होता है वो स्टेट वाइज होता है, ओके। तो पहले आपको जो करना है टिन नंबर रजिस्टर करने के लिए, आपको अपना स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट खोलना पड़ेगा, वहाँ से आपको पहले VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए, बहुत सारा स्टेप्स है आपको तो मैं बोल दूंगा, लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो फोटोग्राफी सेल करके कमा रहे हैं तो आई एम श्योर ये प्रोसेस आपको इतना झंझट वाला झमेला वाला लगेगा कि आप बोलेंगे कि नहीं सर, मैं तो इंडिविजुअली ठीक हूँ, मुझको नहीं चाहिए टिन नंबर, ओके। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके फ्री नहीं है, इसके खर्चे भी है। तो देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको जब टिन नंबर आप अगर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है। फर्स्ट, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आप ये ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ये ऑफलाइन कर सकते हैं। आपको अगर ऑफलाइन करना है तो बेस्ट है आप कोई CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लें, ठीक है। इससे आपको सेल्स ऑफिस का चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, और वो CA लोगों को पता होता है कि कैसे एग्जैक्टली फॉर्म फिलअप करना होता है, तो आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। इसके अलावा मोस्ट कॉमन जो प्रेफर्ड मेथड होता है वो है ऑनलाइन मेथड। तो ऑनलाइन मेथड में आप ऐसे भी गूगल पर टाइप कर सकते हैं हाउ टू फिल अप टिन फॉर्म इन इंडिया, ओके, TIN फॉर्म। तो यहाँ से आपको बहुत सारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएंगे। याद रखिए, मैक्सिमम वेबसाइट्स फेक है, वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो वेबसाइट है वो लिंक किसी एजेंट के पास फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये एजेंट आपसे बहुत ज़्यादा पैसा मांग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जो कर सकते हैं, आप एक CA को हायर कर सकते हैं, वो आपके हेल्प कर देंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में, ठीक है। अगर आप अच्छे से फिलअप कर पाते हैं तो ये जो वेबसाइट है TIN NSDL, इसका वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यही एक जेन्युइन वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपना फॉर्म खुद फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको खुद से फिलअप करना आता है तो आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा, क्योंकि आप अगर CA हायर करेंगे तो ऑलमोस्ट 30,000-40,000 रुपीज़ आपका लग जाएगा। एक ही साथ आपको VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स VAT नंबर मिल जाएगा, CST मतलब सेंट्रल सेल्स सर्विसेज टैक्स नंबर वो भी मिल जाएगा, एंड TIN नंबर, तीनों एक साथ मिल जाएगा। आप ये तभी कीजिए अगर आपका बिजनेस आप इंटर स्टेट में कर रहे हैं, मतलब खुद का जो स्टेट है उसके अलावा बाहर कहीं बेच रहे हैं, तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VAT नंबर TIN मस्ट है। एंड अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो, कितने हैं अगर आप फोटो बेच के 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे पर महीना, मैं तो नहीं हूँ भाई, एंड मैं कभी होऊंगा भी नहीं उतना, जो भी है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको बोल देते हैं कैसा कैसा चाहिए होता है। देखिए, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। अब एड्रेस प्रूफ आपका रेसिडेंस का, या फिर आप जब बिजनेस रजिस्टर जहाँ पे किए हो उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, अगर रेंटेड एरिया पे बिजनेस है तो आपका रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए फर्स्ट प्रोडक्ट सेल का इनवॉइस, ओके, जो फोटो बेच रहे हैं उनके लिए फर्स्ट इनवॉइस ऑफ कोई भी सेल्स, शटरस्टॉक सेल्स इनवॉइस आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो वो चाहिए होता है प्रूफ ऑफ योर सेल। उसके बाद
पैन कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटर, मतलब आपका अगर रेंटेड एरिया है या आप खुद अगर बिजनेस ओन करते हैं तो आपका पैन कार्ड नंबर चाहिए, 4 to 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होता है, और 2 रेफरेंस, मतलब जो लोग आपको बैकअप कर रहे हैं, जो लोग आपका गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटर भी हो सकता है। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ओके। तो अगर आप कंफ्यूज्ड है कि कहाँ पे बनाना है तो वो टिन NSDL वेबसाइट में जाके, ये वाला जो लिंक है टिन फैसिलिटेशन कम पैन सेंटर्स, वहाँ पे एक बड़ा स्टेट वाइज लिस्ट खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा वेस्ट बंगाल स्टेट है, मैं वेस्ट बंगाल एरिया चूज़ करके यहाँ पे बहुत सारा सिटी, बहुत सारा एरियाज़ है ऑप्शन, आपके पास वो आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, एंड वहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन है, ऑथराइज्ड पर्सन, इन लोग आपका हेल्प ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टिन नंबर आपके लिए क्या बहुत ज़रूरी है? मैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए हॉबिस्ट फोटोग्राफर, एज ए पार्ट टाइम स्टॉक फोटोग्राफर, तो ये झमेला से दूर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ही सेंट्स में अर्निंग होती है या फ्यू $10 मैक्सिमम महीने में $100, एंड उस पर US सेल्स उतना भी नहीं होता है जितना टैक्स कटता है। याद रहे आपको, बस US जो आपका फोटो अमरीका में बिक रहा है उसी पर टैक्स लगते हैं, वो भी 30%, क्योंकि आप अगर अपना मैप खोल के देखेंगे Shutterstock या वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट में एक मैप होता है कि आपका फोटोस कहाँ कहाँ पर बिक रहा है। तो जो भी अगर फोटोज आपका जर्मनी, यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं पे भी सेल हो रहा है तो वहां पे टैक्स नहीं लगेंगे। दिस इज अबाउट अमेरिकन टैक्स ओनली, क्योंकि Shutterstock, अडोबी स्टॉक, ये सारे अमेरिकन एजेंसीज हैं, उनको अपने गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है जो टैक्स वो आपसे काटते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको टिन के बारे में आप कुछ तो पता चल गया है कि ये 11 डिजिट नंबर है, एक यूनिक नंबर है जो आपको तभी मिलेगा जब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, एंड इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे कर सकते हैं, एंड ये फ्री नहीं है। इसको अप्लाई करने के लिए भी आपको एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो दोस्तों अब तक आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो टाइम है फॉर कोड ऑफ द डे। कोड ऑफ द डे है नंबर। आप नंबर वर्ड टाइप करेंगे कमेंट में तो मुझको लगेगा, पता चलेगा कि आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, फोटोग्राफर्स एंड कजिन के साथ, पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक एक्साइटिंग वीडियो लेके। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।